Hello, so the question given here is which of the following has maximum speed? Okay, so we have to tell which of the following has maximum speed. Okay, so now the options given here are air, water current, sound and light. Okay, तो पता करते हैं सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है. तो अगर हम एयर के बारे में बात करें, सो इफ यू टॉक अबाउट स्पीड ऑफ एयर, तो स्पीड ऑफ एयर जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा लार्जली डिपेंड ऑन मीडियम. बट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एयर दैट इज इन हाइड्रोजन इज दैट आई हैव सीन मैक्सिमम, वेयर एज द स्पीड ऑफ एयर एट जीरो, दिस इज एट जीरो डिग्री. ओके, सो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एयर इज अराउंड 332. ओके, दैट इज इन नॉर्मल एयर मीडियम. ओके, दैट इज इन नॉर्मल एयर मीडियम. ठीक है, दिस इज इन मीटर पर सेकेंड. ओके, सो इट वेरीज लार्जली, बट इट इज नॉट द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वॉटर करेंट. तो वॉटर करंट के बारे में बात करते हैं, तो वॉटर करंट की अगर बात करें यहां पर, सो वॉटर करंट जो है हमारी, उसकी जो स्पीड होती है, वॉटर करंट की जो स्पीड होती है दैट इज अबाउट 12 मीटर पर सेकेंड. द स्पीड ऑफ वॉटर करंट इज अबाउट 12 मीटर पर सेकेंड. ओके, दिस इज अ नॉर्मल स्पीड ऑफ वॉटर करंट. और अगर हम बात करें साउंड के बारे में, तो जो साउंड की स्पीड होती है इट इज अराउंड 340 मीटर पर सेकेंड एट सी लेवल. ओके, एट सी लेवल. हाँ, तो मतलब नॉर्मल स्पीड है. लेकिन अगर हम बात करें हमारे ऑप्शन नंबर डी की, दैट इज लाइट. सो लाइट की जो स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम डिनोट करते हैं सी से. इसकी वैल्यू होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड. इतनी ज्यादा होती है, दैट इज अराउंड 670 माइल्स पर सेकेंड. ओके, मतलब इतनी ज्यादा स्पीड होती है लाइट की, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड. सो इट इज द फास्टेस्ट. ओके, एंड इट हैज द मैक्सिमम स्पीड. लाइट हैज द मैक्सिमम स्पीड ओवर हियर. आप यहां पे कंपेयर करके देखेंगे तो एयर, वाटर, साउंड सबसे ज्यादा किसके पास है? लाइट के पास. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. सो लेट मी मार्क इट, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू नाउ.